हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की जो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर है। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स को पढ़कर मैंने ये टॉपिक चूज किया है कि क्या आपको हीलिंग मिलेगी। ये जो वीडियो मैंने आज टॉपिक जो मैंने आज चूज किया है, वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर होगी कि रिलेशनशिप में हीलिंग होगी या कहाँ पर हीलिंग होने वाली है। देखिए, हीलिंग के लिए बहुत सारे ऐसे स्टक सिचुएशंस होते हैं जहाँ से हम हील होना चाहते हैं, तो हम सभी सिचुएशन की बात करेंगे। मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, क्या आपको हीलिंग मिलेगी, क्या आप हील होगे, तो यही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि हमें तो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता, हमारे लिए तो हीलिंग होती ही नहीं है, हम तो कभी हीलिंग मोड में जाते ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि आप हीलिंग पर वीडियोज़ बनाइए कि क्या हीलिंग होगी या नहीं होगी। तो ये मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि आपको हीलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कब तक मिल सकती है, और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी स्टेप तो यही होता है कि आपको ये पता चल जाए कि आपको इसके लिए करना क्या है, क्योंकि हीलिंग हम सब लोग चाहते हैं पर करते कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ ये छोड़ देते हैं कि भगवान ही हमें हील करेगा, पर उसने सारी पावर आपके अंदर डाली है। उसने सारी पावर आपके अंदर इसलिए डाली है क्योंकि उसने तो सबको हील करना है, और सबको हील करने के लिए उसने थोड़ी थोड़ी पावर सबके अंदर डाल दी है ताकि आप सब लोग पहले तो खुद अपने सेल्फ रिपेयर सिस्टम से हील हो। अगर नहीं हो पा रहे तो फिर वहां पर उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है, पर जब तक आप अपने सेल्फ रिपेयर सिस्टम को ये नहीं बोलेंगे कि आपको हील होना है, तो आप कैसे हील होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि आपको हीलिंग कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। या आपको अगर नहीं पता तो स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो चलिए, आज की वीडियो में दो फाइल्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट में भी भगवान कृष्ण की बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है जिसमें है अप्रोचिंग गुरु, एंड अगर आप इस पिक्चर को चूज करते हैं तो ये पहला पाइल होगा। यहाँ पर आज मैं कोई इनिशियल नहीं ले रही हूँ। और दूसरे में है इटर्नल सोल, अगर आप इसमें भगवान राधा कृष्ण की पिक्चर को चूज करते हैं तो ये आपका पाइल होगा। मैंने आज कृष्णा की पिक्चर इसलिए ली है कि अगर आपने गीता पढ़ी है, अगर आप गीता को कभी भी पढ़ते हैं तो सारे डाउट अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं। तो जो लोग नहीं पढ़ते वो जरूर कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार गीता जरूर पढ़ें, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। गीता में इतनी पावर है कि आपको वो सिखाती है कि जीवन को जीना कैसे है, जीवन में रहना कैसे है, कौन सी चीजें आपके लिए बहुत सही है और आप उनको गलत मान रहे हो, कौन सी चीजें आपके लिए गलत है और आप उनको सही मान रहे हो। तो सब चीजें आपको बहुत क्लैरिटी के साथ दिखेंगी उसमें, और आपके विजन क्लियर हो जाएंगे जीवन को जीने के लिए, आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे, आपको पता चलने लगेगा कि जिया कैसे जाता है, असली मकसद है जीवन का वो है क्या बेसिकली। तो आपको एक बार जरूर अपने जीवन में इस होली बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है और आपके लाइफ के पर्पस को बदल देती है। तो चलिए, बात करेंगे आज हम इस टॉपिक के ऊपर कि क्या आपको हीलिंग मिलेगी और कैसे मिलेगी, क्या स्टेप्स होंगे, कहाँ पर आप रुके हुए हैं, कहाँ पर एनर्जी स्टक है। तो सारी बातें आज मैं आपसे करने वाली हूँ। तो दोनों में से जो पिक्चर आपको रेजोनेट हो रही है, जो अच्छी लगती है, भगवान कृष्ण की दोनों पिक्चर है, आप उसको चूज कर सकते हो। ईश्वर की तरफ से ही मैं आपके संदेश लेने वाली हूँ, ईश्वर जो कहेंगे मैं वही कहूंगी, ये मेरी वाणी नहीं भगवान कृष्ण की वाणी है। जो हो सकता है मेरे मुख से निकले, कभी कभी वो किसी ना किसी रूप में किसी से कुछ भी बुलवा देते हैं, कोई भी सिंबल दिखा देते हैं, कोई भी नंबर आपके सामने आ जाते हैं और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, उसी समय से आपका समय ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो उन्हीं के मैंने सानिध्य में बनाई है, आप लोग इसे जरूर महसूस करें, हील होने की कोशिश करें ताकि मैं आप सब लोगों के दुख दर्द को थोड़ा सा कम कर सकूं। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों के कुछ भी दर्द कम होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो इसलिए कनेक्टेड रहिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए और हम बात करते हैं अब हीलिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पाइल की। अगर आपने अप्रोचिंग गुरु इसको चूज किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होने वाली है। तो अगर आप लोग हीलिंग मोड में जाना चाहते हो पाइल नंबर 1, तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि आप किसी
ऐसे गुरु को चुनिए जो आपको रास्ता दिखा सके। वो गुरु कोई भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको किसी गुरु के पास ही जाना है। तो गुरु की चॉइस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गुरु की चॉइस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है। आजकल वो गुरु नहीं मिलते जो पहले समय में हुआ करते थे, ऐसे गुरु जो अपना सब कुछ अपने स्टूडेंट को दे देते थे, ऐसे मेंटर मिलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे ज़्यादा असली अच्छा गुरु जो है वो आपको ढूंढना है, वो आपके घर में आपकी माँ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूर किसी ऐसे गुरु के पास जाना है जो आपको हील करेगा। आप ढूंढोगे, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो आपका गुरु कोई भी हो सकता है, जिसकी बात आपके दिल को छू जाए वही गुरु है, जिसकी बात एक शब्द भी अगर आपको कुछ सिखा दे वही आपका गुरु है, जिसकी एक बात से आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो जाएं वही असली गुरु है। तो इस बात को समझकर अपना गुरु चुनें और उसके सानिध्य में जाएं, वो आपको हील कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसके पास जाके बैठ ही जाना है, उसके जो भी लेसन्स हैं आप सीखें, उसकी जो भी बातें हैं आप सुनें, और जब आप उसकी बात को सुन के मानते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपने अपने गुरु को चुनना है और इस तरह से आपने उनसे लेसन्स लेने हैं, आपने उनसे एक्सपीरियंस लेना है ज़िंदगी का। वही असली गुरु होगा और वही आपको हील कर पाएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग को और देखते हैं कि किस किस बात में आपकी हीलिंग जो है वो होगी। टैरो की मदद से देखते हैं कि आपकी हीलिंग जो है वो किस किस क्षेत्र में हो सकती है, क्या क्या आपको चीज़ें हैं जहाँ से गुजर कर जाना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट कार्ड है द फूल। देखिए ये जर्नी जो है ये आपने स्टार्ट तो कर दी है, बहुत सारे लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट कर दी है जहाँ आप हील होना चाहते हो, जहाँ आप चाहते हो कि आपको हीलिंग मिले। बहुत इनोसेंट एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। आप चाहते हो कि बस आप सरेंडर कर दें भगवान की तरफ, आपका बहुत ध्यान है, आप बहुत मानते हो उनको। आप चाहते हो कि लाइफ में हमेशा आपको वही गाइड करें, आप हमेशा उनको सरेंडर करके आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर आप अभी इस समय पर इस मोड में हो कि मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ, मैं तुम्हारी ही बच्ची हूँ, मुझे हील करो। ईश्वर को आप पुकार रहे हो, ईश्वर को आप बुला रहे हो। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप प्यार के लिए बुला रहे हो या प्यार में आपको हीलिंग चाहिए या काम में हीलिंग चाहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं अभी कह रही हूँ। बस आप हील होना चाहते हो, आप अपने दुखों से बाहर आना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई ऐसा हो जो आपको पकड़ कर कहे कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। कोई भी रिलेशन में ऐसा इंसान हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको डॉग दिखाई देगा, तो आप चाहते हो कि कोई ऐसा जो अनकंडीशनल प्यार करे आपसे, जिसके प्यार के पीछे कंडीशंस ना हो। तो भगवान से आप ऐसा चाहते हो कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करे। तो ये हीलिंग आप लोगों में से बहुत से लोग चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या आप चाह रहे हैं इस समय पर, और क्या आपकी एनर्जी है, किस चीज से आप हीलिंग चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नाइन ऑफ स्वॉर्ड। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप रात रात भर बैठकर सोचते हो किसी बात को लेकर, आपके मन में बहुत से विचार चलते हैं, बहुत सी टेंशन्स चलती हैं, आपको रात रात को नींद नहीं आती। आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है। क्यों ऐसा है आपके साथ, क्यों स्टक है आपकी एनर्जी, क्यों सोचते हैं आप इतनी वरिस करके आप अपने आप को परेशान करते हैं और किसी का कुछ भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग रात को सो नहीं रहे हो, तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हीलिंग तब होगी जब आप अपने आप को सरेंडर करेंगे, जब आप अपने आप को भगवान के पूरे इस तरह से छोड़ देंगे ना कि मुझे तो बस तुम पर ही विश्वास है, बस तुमने ही करना है। तो ये सरेंडर की भावना जब आपके अंदर आ जाएगी तो इस स्टक एनर्जी से आप बाहर हो जाओगे। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो मन में और दिमाग में चल रही हैं, जिसकी वजह से दिमाग ब्लॉक हो गया है और आप देखना नहीं चाहते। यहाँ पर बहुत से रंग भी हैं, पर आप उन रंगों को देखकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आप उन रंगों को देखकर ये नहीं चाहते हो कि जिंदगी में जो रंग है उनको मिस करके आप बस सोचे जा रहे हो, बस आपने ब्लॉक किया हुआ है खुद को। तो अपनी जिंदगी के रंगों को देखना शुरू करो, अपनी जिंदगी के उन रंगों में रंगना शुरू करो जो आप आंखें बंद करके बैठे हो और देखना नहीं चाहते हो। तो हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आज आप आंखें खोलोगे आज ही स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे हर काम धीरे धीरे होता है और यहाँ पर आपकी हीलिंग जरूर होगी।
तो और मैं एनर्जीज देखना चाहती हूँ, देखते हैं कि आपके लिए और क्या निकल कर आता है। देखिए यहाँ पर भी है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए मैसेज है। जो लोग अपने परिवार से दूर हैं, जो लोग अपने घर से दूर हैं, आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप सेपरेट होकर कहीं से जा रहे हो, परिवार से दूर जा रहे हो, तो बिल्कुल भी अपने आप को इस मोड में मत लेकर आएं कि बहुत सारी चिंताओं को साथ लेकर चलो। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग बहुत चिंता करते हो, बिना बात की चिंताएं भी आप में से बहुत सारे लोगों को हैं। तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आप एक अच्छे के लिए जा रहे हो। जिंदगी में कुछ ऐसे काम भी हमें करने पड़ते हैं जो शायद हम चाहते तो नहीं है, पर वो करने पड़ते हैं। पर यहाँ पर ये ग्रोथ दिखा रहे हैं, आपको उन यादों को पीछे छोड़ना है जो यादें आप साथ लेकर जा रहे हो। इतना ज्यादा सोचोगे, इतने ही ज्यादा यादों को साथ लेकर जाओगे तो रात को कैसे सोओगे। अगर आप घर से दूर हो, घर से बाहर हो, तो भी इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, आपके साथ भगवान का आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद को आप महसूस करो और कम से कम अपनी यादों को इतना ज्यादा मत तड़पाओ कि आपको नींद ही ना आए। इसलिए भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि हीलिंग बहुत जल्द हो जाएगी, पर आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग पर इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि क्या है आपके लिए, कब तक आपकी हीलिंग हो सकती है और क्या निकल कर आता है। चलिए यहाँ पर है एम्प्रेस, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक और एनर्जी देखते हैं, नाइन ऑफ कप्स। तो ये है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस कि जिस दर्द से आप गुजर रहे हो, वो रिलेशनशिप का दर्द है, वो परेशानियां हैं, वो चिंताएं हैं, आपकी हीलिंग बहुत जल्द हो जाएगी। आप बहुत जल्दी हील होगे क्योंकि भगवान ने आपके लिए ये समय भेजा है जो डिवाइन टाइम है, और ये 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। ये डिवाइन टाइम जो है वो 3 महीने में आपको हील करने वाला है। आप बहुत सारे दर्द से बाहर आओगे। आप में से बहुत से लोग रिलेशनशिप के किसी इशू से गुजर रहे हैं, तो वहां पर आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। किसी दर्द वाले रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं तो वो विश जो आप मांग रहे हो, कुछ लोग मांग रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से वो बच जाएं, बाहर निकल जाएं, तो वो भी विश आपकी पूरी हो सकती है। और आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में फिर से आकर रीयूनियन करें, या आप अगर सेपरेटेड हैं तो इकट्ठा हो जाएं, तो वो विश भी पूरी हो सकती है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, जो आप चाहोगे वो होगा, जो आप चाहोगे वही ईश्वर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि सेपरेट होना तो सेपरेट हो जाओगे, अगर आप चाहते हो कि इकट्ठा होना तो इकट्ठा हो जाओगे। तो वो आपको बहुत जल्द हील करने वाले हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी कुछ चीजों को, कुछ रिश्तों को, कुछ प्लानिंग्स आपने की है, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, सब चीजें हील हो जाएंगी, सब विशेष आपकी पूरी हो जाएंगी। पर आपको विश्वास करना है इतना ज्यादा जैसे एक बच्चा अपनी माँ के ऊपर करता है। जब बच्चा छोटा होता है तब माँ या फादर उसे अगर उछाले तो बच्चा हंसता है, उसको पता होता है कि नीचे कोई ऐसा है जो उसे थाम लेगा और उसे गिरने नहीं देगा, उसको कोई डर नहीं होता। तो ये डर आपके अंदर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी कृपा है, उसकी इतनी ब्लेसिंग्स है कि वो आपको ग्रो करने वाला है, वो आपको हील करने वाला है। एक माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चों को नर्चर करती है, प्यार करती है, केयर करती है, आप सरेंडर करके देखिए, आप ये करके देखिए एक बार, जरूर डेफिनेटली आपकी हीलिंग हो जाएगी। आपको मैं ये नहीं कह रही हूं यहाँ पर कि सेल्फ हीलिंग की जरूरत है, ये स्टेप फॉलो कीजिए, वो स्टेप फॉलो कीजिए, यहां पर मैं ये नहीं कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि भगवान को आप सरेंडर करके देखिए, आपकी हीलिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी, आप उसी दिन से हीलिंग मोड में आ जाओगे और डेफिनेटली ये हीलिंग होगी। इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ऐसी एनर्जी में आना है जहां आप पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, पूरी तरह से आपने सब कुछ उस पर छोड़ दिया है, पूरी तरह से आपने ये मान लिया है कि बस तुम ही हो जो करने वाले हो, तुम ही हो जो मुझे रास्ता दिखाने वाले हो। तो वहां पर ये हीलिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, और ये जरूर होगी। अगर आप किसी भी सिचुएशन में है, मैं यहाँ पर सिचुएशन मेंशन नहीं कर रही, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि लव मैरिज के लिए हीलिंग होगी या नहीं होगी, अफेयर्स में हीलिंग होगी या नहीं होगी, रिलेशनशिप में हीलिंग होगी या नहीं होगी। आप जो विश कर रहे हो वो विश आपकी जरूर पूरी होगी। हीलिंग के लिए आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका वही रिश्ता सुधरेगा, आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी वहीं से हीलिंग स्टार्ट होगी। तो ये रीडिंग जो है वो एक सबके लिए है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल बच्चे, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं,
आपको सरेंडर करना है और देखना है कि ईश्वर आपके साथ साथ चल रहे हैं हर पल हर मूवमेंट पर। अगर आप महसूस करते हो तो उसी दिन से हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और कितनी भी बुरी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, आप एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, नई ऊर्जा में आएंगे और जरूर आपके साथ ईश्वर का साथ आपको मिलेगा। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और कोई भी मैसेज आपको इसमें पॉजिटिव मिला हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये रीडिंग मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके कि कैसे हो सकता है। तो आपको इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में ताकि जरूर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे निकल पाए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर टू की। पाइल नंबर टू, अगर आपने भगवान कृष्ण की राधा की इस पिक्चर को चूज किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि आपको हीलिंग कब से मिलने वाली है और ये हीलिंग जो है वो आपको किस माध्यम से मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, इसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे और किस मोड में आपको हीलिंग की जरूरत है। तो सारी बातें आज मैं आपसे करने वाली हूँ। यहाँ पर है इटर्नल सोल। इटर्नल सोल क्या है? ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा वही रहती है। तो ये है इसका मीनिंग। अगर आपने इसे चुना है तो मैं अब देखने वाली हूँ कि क्या है मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए, कहाँ पर आपको जरूरत है हीलिंग की। तो चलिए यहाँ से मैं एक कार्ड लेना चाहती हूँ, हायर प्रिस्टस। ओके, तो यहाँ पर भगवान का ही ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए कि आप लोगों को अपनी कुछ ऐसी हीलिंग की जरूरत है जो आप अंदर से अपने आप को जज करना चाहते हो, जो आप अंदर से सोचना चाहते हो, जहां पर आपका बहुत ज्यादा दिमाग जो है वो अपनी अंदर की चीजों को खोजने में लगा हुआ है। आप चाहते हो कि आपका अस्तित्व क्या है, आप चाहते हो ये देखना कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में, आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं रहते। आपका सोचने का जो नजरिया है वो अलग है। आप चाहते हो कि आप सच्चाई की तरफ जाएं, सच्चाई को पकड़ें, क्या है पीछे के सीक्रेट्स, क्या है पीछे की बातें, जीवन में क्यों आए हैं, क्या है आपका मकसद, क्या है इस धरती पर आने का रीजन। तो बहुत सारी चीजें आपके मन में चलती हैं जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे हैं धरती पर। हम सब लोग तो मटेरियल्स में जीते हैं कि ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, घर कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा, पर आप में से बहुत से लोग जो पायल नंबर टू के लिए आए हैं वो कुछ अलग सोचते हैं, वो कुछ अलग चाहते हैं, वो कुछ ऊपर की तरफ की चीजों को ज्यादा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है, जो ये चाहती है कि बताया जाए कि रहस्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। तो यहाँ पर मुझे आप इस हीलिंग को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो कि ये हीलिंग मुझे चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मेरे इस दुनिया में आने का रीजन क्या है। कुछ और एनर्जीज के साथ भी मैं देखना चाहूंगी कि और क्या है आपकी ऐसी बातें जो आप चाहते हो कि जिससे आपको हीलिंग मिले। पेज ऑफ पेंटिकल, आप में से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि जो भी छोटी छोटी आपकी दिक्कतें हैं वो भी पूरी हों, वो भी आप चाहेंगे कि वहां से आपको हीलिंग मिले। आप चाहते हो कि जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनसे तो कम से कम मुझे बाहर निकाला जाए, जो लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी के लिए लड़ना पड़ता है, छोटी छोटी बातों के लिए जीवन से जूझना पड़ता है, वहां पर आपको हीलिंग मिले। तो आपके लिए और एक मैसेज, और एक कार्ड मैं देखती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इसके साथ साथ आप बहुत ही एक ऐसे पर्सन हैं जो हर काम को करने के लिए बहुत पैशनेट हैं और हर काम को आप बहुत ही बोल्डली करते हैं, पर जब वो काम बनता नहीं है, जब वो काम इस तरह से अटक जाता है तो आप भी अटक जाते हो। आप बहुत कोशिश करते हो अपने हर काम को सुधारने की, आप बहुत कोशिश करते हो अपने हर काम को ठीक ढंग से करने की। आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद से पूछते हो, खुद से जवाब लेते हो, खुद ही क्वेश्चन करते हो, खुद ही आंसर करते हो, फिर आप चाहते हो कि चीजें बदल जाएं, चीजें जो है वो आप ट्रांसफॉर्म करें खुद। तो कई बार ऐसा नहीं होता तो आपके मन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपने तो पूरी मेहनत की है, आपने तो पूरी शिद्दत लगा दी है, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। वहां पर आपको हीलिंग की जरूरत होती है। तो वहां पर आप चाहते हो कि अब कोई हो जो आपकी मदद करे, अब कोई हो जो आपको रास्ता दिखाए। तो वहां पर चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपको रास्ता दिखा सकता है। नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ईश्वर का ये संदेश है आपके लिए कि आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई है,
कोई तो है यहाँ पर, जरूर कोई ना कोई आएगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, जो आपको प्यार सिखाएगा। हीलिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होंगे जो अलग अलग तरीके से अपनी हीलिंग चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको कुछ मटेरियल गेन्स भी हो जिससे वो अटके हुए हैं, उस ब्लॉकेज से अपने आप को बाहर निकालें, कुछ जीवन के रहस्य को देखना चाहते हैं। पर यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज है कि आप लोगों को हीलिंग जरूर मिलेगी, और ये हीलिंग जो है वो कोई पर्सन लेकर आएगा आपकी लाइफ में, और वो पर्सन जो है वो आपसे छोटा हो सकता है, वो पर्सन जो है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा सकता है, वो पर्सन जो है वो आपको प्यार सिखा सकता है। आप अगर भगवान से मांगेंगे तो वो बहुत जल्द आएगा और हीलिंग बहुत जल्द होगी। भगवान को आप कहिए, जो भी लोग रिलेशनशिप की हीलिंग चाहते हैं तो आप भगवान से इस बात का मैसेज कर सकते हो कि आपको कोई ऐसा पर्सन आए मिले जो आपको हील करे, जो आपको रिलेशनशिप सिखाए, जो आपको आपकी बातें बताए, जो बताए कि गलतियां कहाँ हुई हैं, तो वो इंसान बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी बता रही है कि जो लोग किसी भी तरह से भगवान को मानते हैं या भगवान को महसूस करते हैं, उनको उनकी प्रेजेंस बहुत जल्द महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपके आसपास ही हैं, ऐसा लगेगा जैसे वो आपको हील कर रहे हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आपको एहसास होता होगा कि आपको किसी ने छुआ है, आपको किसी ने हील करने की कोशिश की है, आपको आपके दिल पर किसी ने हाथ रखा है, आपको किसी ने प्यार से सराहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट से आपकी हीलिंग शुरू होगी और ये बहुत जल्द होने वाली है। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगने वाला है, बहुत जल्द आप हील होंगे और कहीं ना कहीं आपको उस कंडीशन में हीलिंग मिलेगी जब आप पुकारोगे भगवान को, जब आप बहुत दर्द में हो और पुकार रहे हो कि मुझे तुम्हारे फीलिंग की जरूरत है, तुम्हारे एहसास की जरूरत है, उसी टाइम पर कोई ऐसी एनर्जी आपके आसपास आएगी जो आपको हील करने की कोशिश करेगी। आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आपका एक सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ। आप में से बहुत लोग ये जानते हो कि हीलिंग को कैसे करते हैं, हीलिंग का मतलब क्या है, हीलिंग कैसे होती है। आप बहुत धार्मिक किताबें पढ़ते हो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, गीता भी आपने पढ़ी होगी, आपने बहुत सारी होली बुक्स को पढ़ा होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि हीलिंग का प्रॉपर तरीका क्या है, पर आप लोग इसको मेंशन नहीं करते हैं, कहीं भी छुपा कर रखते हैं अपनी चीज़ों को, लोगों के सामने नहीं लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा, तो जिससे आप अंदर ही अंदर मनन करते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं। तो आप लोगों के लिए तो बहुत जल्द ये हो जाएगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी, जैसे मैं हीलिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी मैं भी अटक जाती हूँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, कभी कभी मुझे भी लगता है कि कोई मुझे रास्ता दिखाए और मैं मदद लेती हूँ फिर टैरो की, और वो मुझे बहुत अच्छे से रास्ता दिखा देते हैं, मुझे बता देते हैं कि यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी अच्छे से काम नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है अभी रुकने की, तो मैं रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर वही एनर्जी दिख रही है कि आप में से बहुत से लोग ये जानते हो कि हीलिंग का तरीका क्या है, पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, और जब आप उसे इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे तब से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कैसे भगवान आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग का मैकेनिज्म भगवान ने आपके अंदर एक स्विच की तरह डाल दिया है। तो हम कहते हैं ना कि स्विच वर्ड्स होते हैं, स्विच वर्ड्स बोलो, हीलिंग कोड्स बोलो और नंबर्स बोलो, तो वो स्विच वर्ड है, वो स्विच है आपके लिए। अगर इस स्विच को आप दबा दोगे तो हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आप में से बहुत से लोग उन स्विचेस को दबाते ही नहीं हो। स्विचेस बहुत तरह के होते हैं, अब ये मत पूछना कि हीलिंग कोड बता दो, स्विच वर्ड बता दो, तो स्विच बहुत सारे तरह के हैं आपके अंदर। आपको कौन सा स्विच दबाना है यही हमें देखना है। आपको दबाना है ऐसा स्विच जहाँ पर आप बुक्स पढ़ें, जहाँ पर आप इस अस्तित्व को बाहर निकालने की कोशिश करें जिसको आप खोज रहे हो। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रेंड्स जो हैं वो किताबें होती हैं। अच्छी अच्छी रिलीजियस बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। रिलीजियस नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए, वो पढ़िए जो आपके दिमाग को खोले, वो पढ़िए जो आपको मैसेज दें, वो बुक्स पढ़िए जो आपकी फ्रेंड्स की तरह आपकी मदद करें। जब हम किताबें पढ़ते हैं या जब हम कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से हील करती हैं, क्योंकि हमारे अंदर का स्विच दब जाता है, हमारे अंदर का सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म जाग जाता है और हम हील होना शुरू हो जाते हैं। हमारी लाइफ में हमें बहुत सारे तरह के स्ट्रेस रहते हैं,
हमारी लाइफ में हमें मटेरियल्स के स्ट्रेस रहते हैं, हमें एक्शन लेने के स्ट्रेस रहते हैं, हमें इमोशंस के स्ट्रेस रहते हैं, पर हमें हीलिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और एवरी मोमेंट पड़ती है। आज हम किसी को कुछ कह देंगे तो हमें लगेगा कि वो हमें पीछे से जवाब ना दे दे, वो हमें मना ना कर दे, वो हमें ऐसा ना कह दे, वो हमें वैसा ना कह दे, तो हीलिंग की जरूरत वहां भी पड़ती है। अगर किसी ने गलत बोल दिया तो हम हर्ट हो जाते हैं, हीलिंग की जरूरत हमें वहां भी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें हीलिंग की हर मोमेंट पे पड़ती है। लाइफ में हम हर मोमेंट पे ही अपने आप को स्टक फील करते हैं, हमें लगता है कि इस बात का जवाब हमें क्या मिलने वाला है, और कोई बिजनेस डील नहीं हुई वहां स्टक हो गए, कोई जॉब में किसी ने कुछ कह दिया वहां स्टक हो गए। तो हीलिंग आपको कैसे मिलेगी? आपको मिलेगी अपनी ब्रेन प्रोग्रामिंग से, आपको मिलेगी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से, आपको मिलेगी बहुत ज्यादा नॉन जजमेंटल होने से। यहाँ जजमेंट का कार्ड है, पर मैं आपको ये कहूंगी कि नॉन जजमेंटल होने से, किसी के लिए जजमेंट्स ना बनाएं, किसी के लिए आप अपने डिसीजंस मत बनाएं, मत सोचें किसी के लिए, मत देखें किसी को कि वो आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। आप उन बातों की तरफ एक्शन लें जो आपको लगता है कि सही है, और जो आपको लगता है कि आप करोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपको भी हर जगह पर हीलिंग की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आप यहाँ पर देखिए किस तरह से पुकारा जा रहा है एंजल को, पुकारा जा रहा है भगवान को, ईश्वर को, कि वो मदद के लिए आए और वो हील करें, और वो ऊपर से बजाकर कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और हील कर रहे हैं। तो म्यूजिक सुना कीजिए, बहुत हीलिंग मिलेगी। आप भी म्यूजिक सुने जितना हो सके, जो अच्छा लगता है, जो म्यूजिक आपको अच्छा लगता है वो सुन सकते हो। इससे आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आप किसी भी मोड में हो, कितने भी दुख में हो, आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ। आप में से बहुत लोग बहुत सी क्रिएटिव हैं, बहुत चीजें अपने अंदर रखते हैं, बांटते नहीं हैं किसी से, तो अपने दुखों को, अपनी खुशियों को बांटना शुरू करें। ज्यादा सीक्रेट्स कुछ भी रखोगे तो आपके अंदर ही रह जाएगा, और आप अंदर ही अंदर घुलते रहोगे। तो जितना हो सके बांटें, जितना हो सके खुशियां बांटें, जितना हो सके दुख बांटें। इससे क्या होता है, दुख कम हो जाते हैं, खुशियां बढ़ जाती हैं, और आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी बहुत जरूरी है करना। कभी कभी हम सिर्फ खुद ही सोचते रहते हैं और किसी से अपनी बात को शेयर नहीं करते, जिससे दूसरों को पता नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी बात को शेयर करना शुरू करेंगे, तो आप हीलिंग मोड में आ जाएंगे, आपके दुख दर्द कम होना शुरू हो जाएंगे, आपकी हीलिंग बहुत जल्द होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको अप्लाई करना है खुद के ऊपर, कि आपको स्विच वर्ड्स अप्लाई करना है, आपको अपने अंदर के स्विच को दबाना है, आपको लोगों से बातें करनी है, आपको भगवान से बात करनी है, आपको म्यूजिक सुनना है। तो ये चीजें आपको हील करेंगी एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, चाहे रिलेशनशिप के लिए आप अटके हुए हैं, चाहे आप किसी बहुत बड़े डिसीजन को लेने के लिए अटके हुए हैं, चाहे आप कहीं भी अटके हुए हैं जिंदगी में, हर रास्ता आपको मिलेगा जब आप अपने विजन को क्लियर करेंगे और आप हीलिंग की इन टेक्निक्स को यूज करेंगे। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि होली बुक्स को पढ़िए, जितना हो सके आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके आप इनर वॉइस को जगाने की कोशिश कीजिए, कि आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, जितना आप उसे जगा लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हीलिंग महसूस होगी, उतना ही ज़्यादा आप खुश रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा जिंदगी के प्रति आपका नज़रिया बदलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, और भगवान आपको हील करने के लिए तो हमेशा ही तैयार होते हैं। वो कभी नहीं कहते कि मुझे हील नहीं करना किसी को। सूरज अगर आता है सुबह सुबह, तो उसकी जो रोशनी है वो सबके लिए बराबर होती है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो किसी के साथ ऐसा नहीं करता कि मुझे ज्यादा रोशनी दे दी और आपको कम रोशनी दी है। वो हमेशा सबको बराबर की रोशनी देता है। आप कितनी देर धूप में बैठते हो, आप कितनी देर चंद्रमा के नीचे बैठते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बैठोगे नहीं तो धूप कैसे लगेगी आपको? अगर आप वहां पर बैठोगे ही नहीं तो आपको चंद्रमा की भीनी भीनी जो रोशनी है वो कैसे दिखाई देगी, और कैसे उसका असर आप पर होगा? तो आपको ये जरूरी है समझना कि आप चाहते तो हो कि वो आप पर अपनी कृपा बरसाए, आपकी कृपा से आप ठीक हो जाए, हील हो जाए, पर आप उसको समझते नहीं हो, अगर आप उसको बुलाते नहीं हो, अगर पुकारते नहीं हो, अगर
इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो भगवान को क्या पता है कि उन्होंने आपको हील करना है। तो उसको बुलाने की कोशिश कीजिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के साथ जो मैंने आज आपको बताई है। तो इनको यूज करके आप बहुत जल्द हील हो जाएंगे, और जब आप हील हो जाएं आपको कुछ भी लगे कि हाँ वाकई में इससे मुझे बहुत मजा आ रहा है, इससे मुझे रिलैक्सेशन मिल रही है, इससे मैं अपनी दुविधाओं से अपनी परेशानियों से हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और बताना कि आपको इस वीडियो के साथ क्या मैसेज मिला है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।